देवांश और दिनेश नाम सुनते ही मूड खराब हो जाता है। थंबनेल देखो तो ऐसा लगता है जैसे मूवी रिलीज हो रही है। ट्रेडिंग में भी इतने ड्रामा नहीं होता जितने थंबनेल्स में होता है। एक बात तो क्लियर है, इनके लॉसेस तो रियल है, सिर्फ प्रॉफिट फेक। इसने तो चैनल ही भर रखा है प्रॉफिट कर करके, तुम्हें ठील का मुंह मिल जाएगा लेकिन बंदे के चैनल पे लॉस नहीं। इसलिए इसके फॉलोअर्स इसको प्रॉफिट का देवता बोलते हैं। भाई स्टॉक बनर का फैन बेस बढ़ रहा है, लगता है लोग उससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। अबे इंस्पायर्ड नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं। ट्रेडिंग है, स्टैंड अप कॉमेडी। ये आर्मी वाला जोकर एक बिग बार स्ट्रेटेजी बताने को तैयार नहीं था, तशरीफ ऐसी सूझी पड़ी है, फ्री में लर्निंग देने को उतर गए। भैया जी आपकी स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटेजी नहीं दिखती है। ये ट्रेडर नहीं होते, ये होते हैं फरिश्ते। पहले बहुत गरीब होते हैं, फिर इन्हें चिराग मिल जाता है ट्रेडिंग नाम का। हम उस चिराग को घिसे तो निफ्टी नाम का जिन हमारी गांड मार लेता है, ये घिसे तो लाखों का प्रॉफिट। फर्स्ट इस जगह पे स्कैल्प किया था, सेकंड इस ब्रेकडाउन पे स्कैल्प किया। बंदे की ट्रेड तीन, पोजीशन एक, और ये कौन सा सेटअप है बे? कभी 5 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 1 मिनट। इसको मॉर्निंग में ही शिफ्ट कर दिया था 1 मिनट टाइम फ्रेम में। अबे साले ये 5 मिनट टाइम फ्रेम बता दो, मैं 5 मिनट पे ही, और 5 मिनट पे ही करते हैं। चल झूठा, शिफ्ट कर दिया था 1 मिनट टाइम फ्रेम में। कब कौन सा ज्ञान कहाँ देते हो पता रहता है? क्या ले भाई? अरे ये क्या 60,000 हो गया है। ये कैंडल निकली थी फाड़ के, घुसा इधर, इसी में निकल गया। 50 पॉइंट्स के मूव में सिर्फ 5 पॉइंट्स पकड़ते हो। 8.5 लाख रुपए लगा के 67,000 का प्रॉफिट किया। थोड़ा ऐसे भी बता दिया करो, लेकिन फिर दिया कौन कहेगा? अरे अरे एक सेकंड, इन्होंने तो पिज्जा का ऑर्डर दिया था ना। तो दिनेश भाई जो है लखनऊ आए थे, ठीक है, मैं गया था पिज्जा का ऑर्डर देने। काश देवता डॉन तुम ये चश्मा पहन के न जाते तो काउंटर वाला बेहोश न हुआ होता। और वैसे भी भाई तुम्हारी क्या ही मजबूरी हो गई है जब ऐसे फोकट में जाके कैफो में रील्स बनानी पड़ रही है। ओ शिट, फिर छपरी कौन कहेगा? I am writing with great urgency to bring to your attention a pressing issue involving a video on platform that features my footage and disseminate false and damaging information about me. Wow, kya email likha hai? ChatGPT ne. I have seen a significant downturn in my business activities and customer have been misled by this video. Wow, misled? मेरी वीडियो से? भाई तुम्हारा वीडियो, उसी में तुम लाखों का लॉस कर रहे हो, 500 ट्रेड में रिकवर कर रहे हो। मैंने बता दिया तुम मिसलीड कहां से हुआ? मार्केट में ट्रेड लिए थे, एसएल हिट हुआ है, ऑनलाइन के अराउंड लॉस चल रहा है। और फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए 4 ट्रेड करोगे? तो थोड़ा सा अपन ने लॉस को थोड़ा कवर अप किया है ना, हम लेके आए इसको 79,000 पे, हमने इसमें अराउंड 18,000 बुक किया, इसमें इस पर्टिकुलर ट्रेड में 32,000 हमारा बना था और 1,20,000 का लॉस था, तो ये पूरा का पूरा हो चुका है कवर। वाह क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तुम ये बताओ इसमें मिसलीड कहां से हुआ? योर कॉपीराइट नोटिफिकेशन इजंट वैलिड। भैया जी मजा तो आ गया होगा यूट्यूब से भी बेइज्जती करवा के। जब से चैनल खोला है 2 स्ट्राइक पड़ चुके हैं, पहले तो ये चोदी करते हैं, फिर कोई एड्रेस कर दे तो डीफेम हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर हो तो थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलने की भी ताकत होनी चाहिए। और तुम कमबख्तों को ऐसे स्ट्राइक दे देके चैनल बंद करवा जाएगा, तुम देखते रहियो। कल मुझे तुम्हारे नाक के नीचे से कोई उड़ा ले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ मत करना, कोने में खड़े खड़े देखते रहना तुम। कर लो सब्सक्राइब, कर लो दबा दिया, आगे बोलो। बस भाई सब एक बार, भैया एक बार मुझे बस वो वाला दिन रिपीट करना है भैया, शिद्दत से करना, मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है, सिर्फ एक ही मौका। एक्शन भैया। भैया मार्केट बंद होने वाला है, भैया ओवरनाइट कॉल ले जाऊं? भैया बहरा नहीं हूं मैं, बोल लाना पुट लेके जा। मुझे लगता था तुम बस ट्रेडिंग करते हुए हकते हो, एक्टिंग करते हुए भी देख लिया, और जैसी एक्टिंग करी है उस हिसाब से तो तुम्हें इतना बड़ा मिलना चाहिए, अवार्ड नहीं। ये बंदा 2-4 पॉइंट 5-10 लाख रुपए लगा के ना पकड़े तो इसकी इतनी इज्जत रहेगी जितनी बॉलीवुड में केआरके की, क्रिकेट में जिम्बाब्वे की। मैं ऑलमोस्ट 43 लाख के लॉस में पहुंच चुका था सिर्फ FNO को ट्रेड करके। भाई जैसे एडिटिंग में जा रहे हो, एक्टिंग में जा रहे हो, वैसे ओलंपिक में भी चले जाओ, नीरज चोपड़ा से भी दूर फेंकोगे। अंबानी जी भले ही आपने बहुत सारा पैसा कमाया हो लेकिन एटीट्यूड और ज्ञान तो के पास है, बिना ट्रेड करे भी कॉन्फिडेंट होते हैं, लॉस हो जाता है फिर भी कॉन्फिडेंट होते हैं। तुम बच के रहना इनसे, नहीं तो तुम्हारी कंपनी में तुमसे FNO करवा देंगे, उसकी एक्सपायरी से पहले तुम एक्सपायर हो जाओगे। संगत का सर, देवांश डॉन वाली हरकतें इस बंदे में भी आ गई। ट्रेडिंग सेटअप 2.0, हाउ आई मेड 1 करोड़ प्रॉफिट। तो इन पॉइंट्स को आप नोट करके रख लो कि आपको लाइव मार्केट में क्या क्या चीज देखने होता है। भाई एक सेकंड, ये कहीं कहीं देखा नहीं लग रहा है? डाउ जोन, नैसडैक, हैंगसेंग, निक्की 225 और अपना डाउ जोन्स का फ्यूचर, YM का फ्यूचर, श्रीलंका का फ्यूचर, ऑस्ट्रेलियन मार्केट का फ्यूचर। भाई क्यों इतना ज्ञान पेलते हो जब मार्केट से 2 ही पॉइंट निकालने होते हैं? तो पहला है स्पॉट चार्ट, फिर आता है प्रीमियम, फिर आता है आपका ऑप्शन चेन, फिर आता है सेक्टोरियल फ्लो, फिर आता है वेटेज स्टॉक्स। शुक्र करो ये बंदा 1-2 करोड़ के प्रॉफिट नहीं करता, इनका बस चले तो मुंह खोल के कहते हैं NSC के ऑफिस में बैठ कर ट्रेड करो, कूल लगने के चक्कर में हजारों चीजें बता दो, क्योंकि लोग तो हैं। भैया ऐसे ही थोड़ी ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए बालक जी जान लगाते हैं, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए। कौन बोला रशियन?
कैसे एक आम दिनेश करोला स्टॉक बर्नर बना। भाई तू आज भी दिनेश करोला ही है। वीडियो को 50,000 लोगों के देखने से विराट कोहली नहीं बन गए हो तुम। ट्रेडिंग के नाम पे 2-4 पॉइंट के लिए तुक्का ही मारते हो। गोल्ड मेडल नहीं जीत लिया ओलंपिक्स में। सही बात है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देख के, लाइफ को एंजॉय करा। जो होगा देखा जाएगा, अब जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। भाई स्टॉक बर्नर स्कैमर है ना, हट जाहिल गवार। तुझे पता नहीं स्कैमर और एडिटर कौन होते? भैया जी आप इसे समझा दो, आप स्कैमर नहीं एडिटर हो और आपका कंटेंट टट्टी। और वैसे भी वो धंधा ही कैसा जो गंदा ना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। YouTube ऑडियंस का पर्सपेक्टिव, बंदा वेरीफाइड पैनल डालने लगा तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट्स में। जितने भी स्कैमर्स ने लोगों का दिल तोड़ा है, अब आप अपनी रियलिटी दिखा दो। लोग तैयार है माफ करने के लिए, लोग करते हैं प्यार आपसे, बस अब आप अपनी रियलिटी दिखा दो। दूतिया मत बनाओ, जो भी आपकी गलती हुई है माफी मांग लो, लोग माफ कर देंगे। आपने वीडियो डाला, इंसान ने देखा, एक व्यूज काउंट हुआ, और ऐसे हजारों व्यूज काउंट हुए, और वो हजारों देखने वाले इंसान है, कोई मशीन नहीं, और उन्हें आपसे अटैचमेंट है, मतलब प्यार भी करते हैं और माफ भी कर देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर तुम्हें रोस्ट का मतलब हेट लगता है तो तुम ये वीडियो अब तक डिसलाइक कर चुके होगे। और जिन्होंने नहीं करी तुम तो अपने ही हो यार, भाई को सपोर्ट नहीं करोगे? चलो सब्सक्राइब कर दो मेरा ये चैनल, सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। भाई कहाँ जा रहा है यार, यहीं रहना। अरे वो मजदूर ट्रेडर का पार्ट 3 भी बनाना है ना, 20,000 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो गए, तो पार्ट 3 तो बनाना पड़ेगा ना। भाई मजा आया।